हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे नॉमिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम कॉमन नेमिंग के बारे में बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट आईपीसी नॉमिक नेचर, और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। दोस्तों यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनके आईयूपीसी नेम्स उतने फेमस नहीं है जितने कॉमन नेम्स हैं। तो कहीं पे भी आप चैप्टर के अंदर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज आप फाइंड करोगे, उसमें आईयूपीसी नेम्स रेयरली यूज करे होंगे। कॉमन नेमिंग से ही एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो कॉमन नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्पेशली इस चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड के अंदर कॉमन नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले कॉमन नेमिंग के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉमन नेमिंग के साथ। सबसे पहले यहां पे हम बात कर रहे हैं 12.2 टॉपिक के बारे में, विच इज ऑल अबाउट nomenclature of aldehyde that is RCHO and ketone that is RCOR। बहुत ही important common naming, मैंने जैसे पहले आपको बताया exams के अंदर IUPAC names नहीं लिखे होते, generally common naming से ही यहाँ पे पूछे जाते हैं aldehyde and ketone। तो common naming बहुत ही important part है, इसीलिए सबसे पहले हम आज बात करेंगे common names के बारे में। चलिए कॉमन नेम्स के कुछ रूल्स देखते हैं। कॉमन नेम में कौन से प्रेफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो हैं उनके अंदर कौन से प्रेफिक्स यूज होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर। तो सबसे पहला दोस्तों जो रूल है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसका नेबरिंग कार्बन जो है उसको हमें अल्फा प्रेफिक्स अल्फा प्रेफिक्स उसको लगाना है। सब्स्टिट्यूएंट जब लिखेंगे तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन है उस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो हम अल्फा प्रेफिक्स यूज करेंगे। अगर अल्फा का पड़ोसी है तो बीटा, देन गामा एंड देन डेल्टा। यस, तो कार्बोनाइल ग्रुप हम सबको पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों के अंदर कॉमन रहता है। हमने इंट्रोडक्शन में बेटा पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप के मेन तीन डेरिवेटिव हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि सी डबल बॉन्ड वो मेरे पास है कहीं पे, जैसे मैंने ये एल्डिहाइड लिखा है, आप देख सकते हो सी एच ओ, उसका यहाँ पे मैंने पड़ोसी कार्बन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप का पड़ोसी होने की वजह से इसको हम अल्फा प्रेफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे। उसका पड़ोसी है उस पर हम लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे बीटा, उसके आगे क्या लिखना है अल्फा बीटा गामा, और फिर क्या यूज करना है बेटा, यस फिर यूज करना है डेल्टा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कार्बोनिल ग्रुप का नेबरिंग कार्बन अल्फा हो गया, देन बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर है आपको? यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूएंट होते तो हम यहाँ बीटा गामा डेल्टा यूज करते, आगे समझ में। यहाँ पे ओनली एक ही सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बोनिल ग्रुप के नेबरिंग कार्बन पे है, और नेबरिंग कार्बन जैसे मैंने आपको बताया अल्फा होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा ब्रोमो, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप देख सकते हो दोस्तों फाइव कार्बन, ठीक है। सो फाइव कार्बन के लिए हम लिखते हैं वेलन, तो यहाँ पे लिखेंगे वेलर एल्डिहाइड बोल सकते हैं, वेलर एल्डिहाइड लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको वेलर एल्डिहाइड प्रोनाउंस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको सबसे पहला रूल जो है वो समझ में आ गया है कि कार्बोनिल ग्रुप का पड़ोसी अल्फा, देन बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता फिर भी हम वही करते, क्योंकि कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव CH3CH BrCOCH3, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है Br, ठीक है, Br सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये जो C डबल बॉन्ड वो है कीटोन है, वैसे ये तो कार्बोनिल ग्रुप है उसका पड़ोसी अल्फा,
इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे कमॉन, हम क्या यूज करेंगे अल्फा ब्रोमो, क्या लिखेंगे हम बेटा कमॉन, हम लिखेंगे अल्फा ब्रोमो, ठीक है। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हुआ क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का ये नेबरिंग कार्बन है। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? जी हाँ, तो ये बात हो गई। सबसे पहला ग्रुप जो है ये कार्बोनिल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन अल्फा, देन बीटा, देन गामा और देन डेल्टा, ये हमें प्रेफिक्स यूज करने हैं। कॉमन नेमिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है फिर भी यही रूल है। मैं आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ये रूल अप्लाई करके देखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर और यहाँ पे सपोज मैंने मिथाइल बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा हो गया, तो यहाँ पे हम अल्फा मिथाइल लिखेंगे। आ रहा समझ में आपको? अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ओके साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर लिखा है सी एच ओ और यहाँ पे मैंने बी आर लिखा हुआ है, तो ये सब्स्टिट्यूट जो है, ये जो ब्रांच है वो कौन से कार्बन पे हुई, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप ये रहा, इसका नेबरिंग कार्बन ये रहा, ये अल्फा हो गया, तो ये जो कार्बन है इसको हम बीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे बीटा पे ब्रोमो ग्रुप है, बीटा ब्रोमो है यहाँ पे। आ रहा है आपको समझ में? ये दोनों स्ट्रक्चर में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि कीटोन जो होता है वो साइकिल के अंदर हो सकता है। देखो ये साइकिल के अंदर ये कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, जबकि एल्डिहाइड के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। एल्डिहाइड यहाँ पे हम सी एच ओ नहीं लिख सकते, है ना, तो इसीलिए एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो साइकिल के बाहर ही होगा, तो इसीलिए यहाँ पे बीटा पे ब्रोमो लिखा है मैंने, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप साइकिल के अंदर है तो यहाँ पे लिखा है मैंने अल्फा मिथाइल। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर होगा। बहुत सारे कॉमन नेमिंग्स के बारे में बात करनी है हमें, तो मैं कुछ कॉमन नेम्स जो हैं ओके कुछ प्रेफिक्स जो हैं सबसे पहले वो जब जहाँ पे ऐड होते हैं नॉमेनक्लेचर में उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हमारे पास एक कार्बन है ओके वन कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है हमारे पास, तो हम फॉर्म यूज करते हैं कमॉन, वन कार्बन के लिए फॉर्म लिखते हैं। सो वन कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, तो उसको हम लिखेंगे फॉर्म एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड ओके फॉर्म एल्डिहाइड। देखो फॉर्म का मतलब वन कार्बन, फॉर्म का मतलब होता है रेड एंट, यस लाल चींटी जो होती है ओके उसका डिस्टिलेशन जब हम करते हैं कमॉन डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंट ओके उससे बनता है फॉर्मिक एसिड, क्या बनता है उससे फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्म यहाँ पे रेड एंट की वजह से हमने प्रेफिक्स यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये कुछ लॉजिक्स हैं, ठीक है, जहां से ये कंपाउंड एक्सट्रैक्ट हुए हैं या फिर जिसने इन्वेंट करे हुए हैं ओके उसके हिसाब से उनका नॉमिनेशन लिखा है, इसीलिए कॉमन नेमिंग है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म हम यूज करेंगे एक कार्बन है और जब कार्बोनिल ग्रुप है तब, ठीक है। तो वन कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड जो है ओके वन कार्बन कंटेनिंग में यहां पे लिख देता हूं वन कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, वन कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड जो है उसके लिए फॉर्मलिहाइड लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास दो कार्बन है बेटा, टू कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है हमारे पास, CH3CHO, तो यहां पे हम लिखेंगे एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, क्या नाम हो गया पढ़ो पूरा, देखो एसिड एल्डिहाइड होगी, एसिड एल्डिहाइड, दैट इज एसिड एल्डिहाइड। अगर हमारे पास तीन कार्बन होते, थ्री कार्बन कंटेनिंग एसिड, प्रोपियोन लिखेंगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रोपियोन एल्डिहाइड। फोर कार्बन कंटेनिंग एसिड, BUTYR, यस ब्यूटेन यूज करते हैं, बटर से आया है ये, बटर बटर BUTYR, बटर में मैक्सिमम होता है ब्यूटेरिक एसिड, इसीलिए ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटर एल्डिहाइड। तो ये कॉमन नेमिंग हो गया फोर कार्बन के लिए। फाइव कार्बन वैलर लिखते हैं, VALER, और पीछे अगेन लिखना है एल्डिहाइड, तो वैलर एल्डिहाइड। सिक्स कार्बन कैप्रो एल्डिहाइड लिखा हमने, ऐसे ही सेवन कार्बन है एनांथ एल्डिहाइड। एट कार्बन कैप्री ओके
caprylamide. ओके, ये हो गया caprylic acid. लिखते हैं अगर हमारे पास 8 कार्बन है ना, तो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, 8 कार्बन का एसिड जो है उसको लिखते हैं caprylic. ओके, caprylic. तो यहां पे IC एसिड है उसकी जगह अलियन लिखा है, और कैप्रिल जो है कैप्रिल लाल लिखा है, ऐसे लिखे इसको. ठीक है, कैप्रिक एसिड था, आई सी एसिड निकाल के एलिहाइड अटैच करना. चलिए ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, नेक्स्ट 9 कार्बन पहला बोनिक एसिड लिखते हैं अगर एसिड है तो पहला बोनिक देखो आईसी निकाल है पहला कौन एल्डिहाइड. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. 10 कार्बन कैप्रिक एसिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं कैप्रिक एसिड. तो कैप्रिक कैप्रा कैप्राल्डिहाइड. ठीक है, ये देखो आप देखो कैप्रो लिखा है मैंने, ये फिर है ये कैप्रिल और ये कैप्रिल. ठीक है, ये थोड़ा बहुत लेना नहीं कॉमन है, 6, 8 and 9 के लिए इतने एल्डिहाइड इतने कॉमन नेमिंग आपको याद करने पड़ेंगे. बड़ा ही सिंपल है ये, इतना टफ नहीं है दोस्तों. बहुत ही बार पूछा जाता है, मैंने जैसे आपको पहले बताया एल्डिहाइड इन तीनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉमन नेमिंग. तो आपको ये करना ही है. ठीक है, इसको आप बेस्ट मत करिए. चलिए, और भी बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं जो मुझे आपको बताने हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले आपको इतना आई होप समझ में आ गया होगा. अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो है कहीं पे भी एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर लगा हुआ है, उसका अल्फा कार्बन जो उसका नेबरिंग कार्बन जो होता है वो अल्फा होता है, उसका नेबरिंग बीटा होता है, देन गामा एंड देन डेल्टा, कीटोन में भी और एल्डिहाइड में भी. फिर दूसरी बात हमने ये पढ़ी, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम फॉर्म यूज करते हैं 2 कार्बन एसिड यूज करेंगे, 3 कार्बन प्रोपियोन यूज करेंगे, प्रोपियोन. ठीक है, फिर BuTyR ब्यूटेन यूज करेंगे, वेलर यूज करेंगे, कैप्रो यूज करना है, कमो क्या यूज करना है एनांथ, उसके बाद कैप्रिल, फिर पहला गॉन, उसके बाद क्या यूज करना है कैप्रिल यूज करना है. ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना. ऐसे बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. ऑलरेडी हमें अगर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, ठीक है, हम इतने ग्रुप को विनाइल बोलते हैं. आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो नोट डाउन करिए आप. यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड इथेन जो होता है, सब्स्टिट्यूटेड इथेन, कम ऑन, सब्स्टिट्यूटेड इथेन, इसको हम विनाइल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, VINYL, विनाइल बोलते हैं. तो विनाइल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड लगा हुआ है तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एक्रोलिन. कम ऑन, क्या बोलेंगे, एक्रोलिन बोलेंगे, इसका नाम है एक्रोलिन. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक्रोलिन बोलना है इसको, आप याद कर लेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO. ठीक है, 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन है यहाँ पे 4 कार्बन है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. ओके, तो यहाँ पे ये जो आप अगर देखो तो हम देख सकते हैं ये ब्यूट टू इन जैसा कोई स्ट्रक्चर है. कम ऑन, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, ब्यूट टू इन है ना, ब्यूट तो है ना, और सेकंड पे इन है, ब्यूट टू इन वन आल, ब्यूट टू इन आल, ब्यूट टू इन आल. ठीक है, तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो हमने आगे जीओसी में दोस्तों पढ़ा था, इतना जो ग्रुप है, ठीक है, इतना जो ग्रुप है, कम ऑन, इसको हम क्या बोलते हैं, कम ऑन जल्दी याद करो, इतने ग्रुप को हम बोलते हैं कौन, क्रोटोन ग्रुप बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्रोटोन. तो इसका नाम है क्रोटोनाल्डिहाइड. क्या बोलेंगे इसको, क्रोटो क्रोटोनाल्डिहाइड, क्रोटाइल ग्रुप है, वैसे ही क्रोटाइल ग्रुप था पहले जो मैं लिखा था, तो क्रोटोनाल्डिहाइड क्रोटोनाल्डिहाइड थी इसको. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहा हूँ कॉमन नेमिंग जो आपको कर रहे हैं, इनमें से ये दो है, ये आपको याद कर लेने हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देन बेंजीन दोस्तों जो है, कम ऑन, बेंजीन, उसके ऊपर अगर CHO है तो बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड. क्या नाम है इसका, कम ऑन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड. कम ऑन, उसके बाद बेंजीन है, उसके ऊपर
अगर हमने बनाया है सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ तो ये है सिनेम अल्डी है। चलिए सिनेम अल्डी है, सिनेम अल्डी है, फाइन। इतने स्ट्रक्चर्स को आपको कंपलसरी याद कर लेने हैं, कॉमन नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन रेस्ट एंड डी। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट हो गया है, आगे बात करेंगे हम कॉमन नेमिंग। बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स में लिख रहा हूँ जिसके नेम्स आपको यहाँ पे याद करने बड़े जरूरी हैं। ओके तो इंट्रोडक्शन में हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद होगा एल्डिहाइड का, जिसमें OH ग्रुप और CHO ग्रुप जो था वो फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे अटैच है। तो इसको इसका नाम लिखेंगे सैलिसाइलिक एसिड। ओके वैसे अगर सी डबल एच होता तो सैलिसिलिक एसिड लिखते। ओके तो यहां से आई सी निकाल देना, आई सी एसिड निकाल देना, ठीक है। एस ए एल आई सी वाई एल, सी वाई एल सैलिसाइलिहाइड, ठीक है। आप एसिड को रेफरेंस दे दो, एसिड को रेफरेंस दे दो कि आई सी एसिड है वो निकाल के, आपको पूरा स्पेलिंग यहां पे आपका जो प्रेफिक्स है वो लिखना है और लास्ट में एलिहाइड लिखना है। ओके तो सैलिसाइलिहाइड लिखना है, ये सैलिसाइलिक एसिड था, अगर सी डबल एच होता तो सैलिसाइलिक एसिड होता और यहाँ पे सैलिसाइलिहाइड, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है इसका कॉमन नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कीटोन कंपाउंड के बारे में। तो CH3COCH3 इसका कॉमन नेमिंग अब याद कर लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये है एसीटोन, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जी हाँ इसका नाम है एसीटोन, ठीक है, ये याद करना बड़ा जरूरी है। उसके बाद ये कीटोन ग्रुप है, इसको बहुत बार पूछा तो नहीं गया बट हमें याद करना चाहिए। ये एसिटाइल ग्रुप है, CH3CO हमने पढ़ा था अभी, और ये भी एसिटाइल है, तो इसको हम लिखेंगे बाय एसिटाइल, इसका नाम हो गया बाय एसिटाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में अगर मैं लिख दूँ CH2 मिथिलीन ग्रुप, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो एसिटोन से कि ये CH3COCH3 था बट CH3 का एक H मैंने रिप्लेस कर दिया एसिटाइल से। मैं अगेन रिपीट करता हूं, आप इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ, इसको इसके साथ आप मैच कर लो तो आपको इतना समझ में आएगा। यहां से एक H निकाल दिया है मैंने, यहां से एक H निकाल के ये ग्रुप लिखा है, इसका नाम एसिटाइल होता है, इतने ग्रुप का नाम एसिटाइल होता है। तो ये एसिटाइल एसिटोन है, इसका नाम हो गया एसिटाइल एसिटोन, जी हाँ दोस्तों इसका नाम है एसिटाइल एसिटोन, याद रखिए। चलिए उसके बाद ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, इसका नाम है दोस्तों मैसेटाइल ऑक्साइड कंपाउंड, इसका नाम है मैसेटाइल ऑक्साइड, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके इसके लिए कोई यहां पे लॉजिक नहीं है, हाँ आपको रट्टा मारना है, आपको रट्टा मारना है तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये एसिटोन है कि CH3COCH3, आप रिलेट कर सकते हो उससे, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अगर एसीटोन और आइसोप्रोपाइल को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे तो मैसेटाइल ऑक्साइड, ऐसे आप याद करो, ठीक है। चलो उसके बाद ये एक कीटोन कंपाउंड है जो आपको कंपलसरी ऐसा स्ट्रक्चर ये पता होना चाहिए, जिसका नाम है यहाँ पे एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन इसका नाम है एसीटोफेनॉन। चलिए यहाँ पे अगर दोस्तों मैंने लिख दिया CO CH2 CH3 तो प्रोपियोन है, प्रोपियोफेनॉन स्ट्रक्चर है, कम ऑन। अगर यहाँ पे हमने बेंजीन लिख दिए दो, और दोनों बेंजीन यहाँ पे दोनों बेंजीन के बीच में अगर ये C डबल बॉन्ड O कनेक्टेड है तो ये बेंजो है, दिस इज बेंजो फिनॉन कंपाउंड, ये क्या है, ये बेंजो फिनॉन है, बहुत ही सिंपल है वैसे, ठीक है। दो बेंजीन है और बीच में सी डबल बॉन्ड ओ है, तो इसका नाम हो गया दोस्तों बेंजो फिनॉन। इतने स्ट्रक्चर आपको कंपल्सरी दोस्तों पता होने चाहिए, है ना। तो कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, ठीक है। एक्रोलीन क्या होता है, क्रोटाइल ग्रुप कौन सा है, क्रोटोन एल्डिहाइड क्या है, सिनेम एल्डिहाइड क्या है, यहाँ पे सैलिसाइलिहाइड पढ़ा हमने, एसीटोन पढ़ा,
ठीक है ना, एसिटोफिनोन भी पढ़ लिया, बेंजोफिनोन भी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं वो पूरे मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, इतने कॉमन नेमिंग आपको कंपलसरी पता होने चाहिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस IUPAC नॉमिनेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन विल यू स्टार्ट IUPAC नॉमिनेचर। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करेंगे IUPAC नॉमिनेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से एल्डिहाइड एंड कीटोन का नॉमिनेचर कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल चीज है, सबसे पहले शुरू करेंगे कि अगर वन कार्बन है कहीं पे, एक कार्बन है एल्डिहाइड है, उसका नॉमिनेचर करना है तो वन कार्बन के लिए मिथ, टू कार्बन एथ, देन थ्री कार्बन प्रो और कंटिन्यू कार्बन इंक्रीज होंगे तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सब प्रेफिक्स हम यूज करते हैं तो वो बड़े इजी नेम्स हैं। जैसे एच सी एच ओ मैंने लिखा है दोस्तों, एच सी एच ओ, तो इसका नाम हो गया मीथेन था, उसके अंदर हमें पता है एल्डिहाइड में ए एल, कमॉन ए एल सफिक्स यूज होता है एल्डिहाइड के अंदर, IUPAC नॉमिनेचर में एल्डिहाइड के लिए ए एल यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ई को हटाना है और ए एल यूज करना है, इसका नाम हो जाएगा मीथेना। किसके नाम, तेरे नाम नहीं, मेरे नाम नहीं, किसके नाम, मीथेनॉल, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, CH3CHO दोस्तों, यहाँ पे दो कार्बन है इथेन प्लस आर, इथेन ओके, ए एन ई था, ई निकाल के ए एल लिखना है, किसके नाम, इथेनॉल, ठीक है। इफ वी हैव थ्री कार्बन, बड़ा ही सिंपल है, प्रोपेन प्लस आर, और देखते हैं यहाँ पे नॉमिनेचर क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लिख देता हूँ दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर, तो एल्डिहाइड जो है यहाँ से नंबरिंग करेंगे, वी नो इन IUPAC नॉमिनेशन हमें नंबरिंग करना है, ओके, नंबरिंग करने के बाद यहाँ पे एल्डिहाइड तो फर्स्ट कार्बन पे ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है तो इसका नाम हो गया प्रो, कम इसका नाम हो गया प्रो टू इन वन आर, टू इन वन आर, वन पे ए एल है, वन पे एल्डिहाइड है, तो दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रो टू नाम, और नहीं तो ये लिख सकते हैं या फिर नहीं, दोनों सेम है, एम और ए एल दोनों को कंबाइन करेंगे लिखेंगे प्रो टू एनाल, बड़ा ही सिंपल है। चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक और स्ट्रक्चर लिखता हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और इसका IUPAC नॉमिनेशन आप खुद करिए। चलिए आपने ट्राई किया होगा और आपने लिखा होना चाहिए ब्यूट टू एनाल, आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं CH3CO CH2CHO। देख सकते हो आप यहाँ पे कीटोन भी है और यहाँ पे एल्डिहाइड भी है। तो इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने देखा होगा हमारा, इंट्रोडक्शन के वीडियो के अंदर मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है अगर वो कहीं पे ब्रांच में है तो ऑक्सो यूज करना है, तो इसको हम लिखेंगे 3 ऑक्सो ब्यूटेन प्लस आर, 3 ऑक्सो ब्यूटेन, बड़ा सिंपल हो गया, 3 ऑक्सो ब्यूटेन, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो ये बात हो गई, सबसे पहले कुछ एल्डिहाइड कंपाउंड हो गए, आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो और ये होगा फंडा, इफ वी हैव CHO CHO दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, सिंगली सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये इथेन हो गया, कम ऑन इथेन, ओके इथेन 1,2-diol, इसका नाम हो गया दोस्तों इथेन 1,2-diol, इसका नाम है इथेन 1,2-diol। चलिए आगे बात करते हैं CH2CHO CH CHO CH2CH। अब देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है हमें कि अगर आप यहां पे नंबर ही करोगे 1,2,3,4,5 तो ये जो CHO ग्रुप है
इस पे आप नंबरिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ब्रांच हो जाएगा, है ना। तो जब ऐसा होगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी नंबरिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे भी नंबरिंग नहीं करेंगे, हम ओनली हाइड्रोकार्बन चेन को नंबर करेंगे। और तीन कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन, कौन क्या लिखेंगे प्रोपेन, वन कार्बोहाइड्रेट, टू कार्बोहाइड्रेट एंड थ्री, वन टू थ्री ट्राई कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, जब एल्डिहाइड के ऊपर हम नंबरिंग नहीं करते हैं तो हम AL यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे हमें यहाँ पे रखना है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, वन टू थ्री ट्राई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर के बारे में। बहुत सारे और भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, आप सबको पता होगा यहाँ पे जो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, जितने चाहे उतने हम नेम्स यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने चाहे उतने स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। बेंजीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर का पहले नाम लिखना है, इसका नाम है बेंजीन, और फिर लिखना है आपको वही कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिखना है आपको, बेंजीन कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे ये कौन सा कार्बन हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो आप लिखोगे थ्री मिथाइल बेंजीन कार्बोहाइड्रेट, थ्री मिथाइल बेंजीन कार्बोहाइड्रेट, ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने लिखा था कॉमन नेमिंग में, आपको पता होगा हमने लिखा था सिनेमालिहाइड, याद होगा आपको, तो यहाँ पे अगर उसका हमें IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है तो लिखेंगे थ्री फिनाइल प्रो टू इन वन आर, प्रो टू एनाल, प्रो टू एनाल। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो थे मैंने लिस्ट कर दिए हैं, अब जो टेबल है NCERT बुक में वो भी मैं यहाँ पे लिस्ट करूंगा, बट सबसे पहले कुछ कीटोन कंपाउंड्स हैं वो हम लिखेंगे, वो कीटोन कंपाउंड्स का यहाँ पे नॉमिनेचर IUPAC देखते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टेबल है NCERT में उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कीटोन कंपाउंड्स यहाँ पे लिस्ट करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, अब कीटोन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास है CH3CO CH3, ओके, तो ये हो गया प्रोपेन, और कीटोन में ONE सफिक्स यूज करते हैं, कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, ON, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन ON, ANE था, E हटा के मैंने ON लिख दिया, प्रोपेन ON, ओके। इफ वी हैव फोर कार्बन्स सो विल यूज ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन ON, ठीक है। अगर हमारे पास फाइव कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, पेंटेनॉन लिखेंगे, ऐसे लिखूं मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, बट हमें पता है IUPAC में नंबरिंग करना जरूरी है, तो पेंटेन तो है बट थर्ड कार्बन पे ऑन है, तो क्या लिखेंगे पेंटेन थ्री ऑन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पे भी कीटोन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं लिखो, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, होना तो वही टू ऑन ही होगा, इसलिए मैंने ब्यूटेन ऑन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन करना जरूरी है पेंटेन थ्री ऑन। चलिए दोस्तों, ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर्स देखेंगे। इफ वी हैव CH3 CCH3, ओके, सी डबल बॉन्ड हो, देन CH CH3 एंड अगेन CH3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, टू फोर डाइमिथाइल, ओके, टू फोर डाइमिथाइल, पेंटेन थ्री ऑन, क्या लिखेंगे पेंटेन थ्री ऑन। और कॉमन नेमिंग अगर हम सोचते तो हमने अभी पढ़ा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका पड़ोसी अल्फा, ओके, उसका पड़ोसी बीटा, तो ये भी तो अल्फा हुआ ना, तो इसको हम अल्फा डैश हो गए, क्या लिखेंगे अल्फा डैश, तो अल्फा अल्फा डैश डाइमिथाइल, ओके, अल्फा अल्फा डैश डाइमिथाइल डाइइथाइल, और फिर लिखेंगे कीटोन। अगेन इसके अगर कॉमन नेमिंग में अगर सब्स्टिट्यूट हम लिखते तो सब्स्टिट्यूट हम लिखते अल्फा अल्फा डैश, कॉमन नेमिंग, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिखा है,
कॉमन में नहीं लिखते तब की बात है। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो मैसेबल ऑक्साइड हमने लिखा था कॉमन एनिंग में उसके बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये हो गया फोर मिथाइल, कमॉन हो गया फोर मिथाइल। टोटल कितने कार्बन, आप देखिए टोटल कार्बन है हमारे पास फाइव, तो पैंट थ्री इन, कमॉन क्या लिखेंगे, पैंट थ्री इन, कमॉन थ्री इन, और क्या लिखेंगे, टू ऑन, थ्री इन, थ्री पे डबल बॉन्ड है और सेकेंड पे किलो, थ्री इन टू ऑन। ओके दोस्तों, ये बात होगी। चलिए आगे बात करते हैं। बेंजीन है अगर हमारे पास और उसके बना हुआ है कीटोन ग्रुप, तो ये हो गया वन फिनाइल इथेनॉन, इसका नाम हो गया वन फिनाइल इथेनॉन। चलिए अगर हमारे पास यहाँ पे तीन कार्बन है, अगर हमारे पास यहाँ पे तीन कार्बन है, तो ये हो गया वन फिनाइल प्रोपेन वन ऑन, वन फिनाइल, वन फिनाइल प्रोपेनॉन, इसका नाम है वन फिनाइल प्रोपेनॉन। चलिए यहाँ पे अगर हमारे पास है कीटोन ग्रुप और दोनों तरफ बेंजीन है, तो वन वन डाइफिनाइल मीथेनॉन। ओके, वन वन क्योंकि फर्स्ट कार्बन ही है, एक ही कार्बन है, दो तरफ फिनाइल है, वन वन डाइफिनाइल दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आपको। और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर टेबल लिखते हैं, एनसीईआरटी का टेबल फिर डिस्कस करते हैं। चलिए वन पे फिनाइल ग्रुप है, थर्ड पे भी फिनाइल है, तो इसका नाम हो गया वन थ्री डाइफिनाइल, वन थ्री डाइफिनाइल प्रो टू इन वन ऑन, प्रो प्रो टू इन वन ऑन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, और फिर हम डिस्कस करते हैं टेबल, नॉमिनेशन टेबल ऑफ एलिहेड एंड कीटोन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने टेबल यहाँ पे बना दिया है जो एनसीईआरटी में है 12.2 टॉपिक के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वन कार्बन कंटेनिंग एलिहेड, याद करिए हमने भी रूल्स पढ़े, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी पढ़े, फॉर्म लिखते हैं, तो फॉर्म लिखेंगे और फिर लिखेंगे एलिहेड, तो फॉर्मेलिहेड बोलेंगे इसको। ओके, और अगर आईयूपीएसी नॉमिनेचर तो मीथेन प्लस आउट, मीथेन आउट। टू कार्बन्स एसिड एलिहेड, टू कार्बन्स आईयूपीएसी इथेन प्लस आउट। आई होप दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है दोस्तों। ओके, इसका नाम लिखेंगे आइसो ब्यूटर एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटर एल्डिहाइड, और यहां पे लिखेंगे नंबरिंग करके टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेनॉन, टू मिथाइल प्रोपेनॉन। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कॉमन नेम के बारे में। तो ये CHO जो है कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो इसका नाम हो गया गामा मिथाइल, गामा मिथाइल। ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का और यहाँ पे कार्बोनिल, तो बड़ा इजी है, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल। ओके चलिए ये बात हो गई यहाँ पे कॉमन नेम आईयूपीएसी, आईयूपीएसी तो ये CHO जो है इसका पड़ोसी ये मान हो गया, ये टू और ये थ्री, इसको हम लिखेंगे थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल, थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कार्बोनिल ग्रुप पड़ोसी अल्फा, अल्फा मिथॉक्सी है ये OCH3, मतलब तीन कार्बन है, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। आई होप दोस्तों क्लियर होगा। ठीक है, आईयूपीएसी बड़ा सिंपल, सेकेंड कार्बन पे मिथॉक्सी है, टू मिथॉक्सी प्रोपेनॉन, टू
मिथॉक्सी प्रोपेनॉल, क्या नाम है, टू मिथॉक्सी प्रोपेनॉल। दोस्तों यहाँ पे फाइव कार्बन है तो वेलर एल्डिहाइड क्या लिखना है, कमॉन, वेलर एल्डिहाइड, वेलर एल्डिहाइड। और फाइव कार्बन आईयूपीएसी पेंटेन, बड़ा सा पेंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीन कार्बन है, आप देख सकते हो दोस्तों तीन कार्बन है, विनाइल ग्रुप है और यहाँ पे एल्डिहाइड है। अभी हमने पढ़ा था, यस आपको याद आ रहा होगा, एक्रोलीन इसका नाम लिखा था, एक्रोलीन। ठीक है चलिए, इसका आईयूपीएसी टू इन है और वन आल, प्रो क्या लिखेंगे, प्रो टू इन वन आल, प्रो टू इन आल, प्रो टू इन आल। चलिए अगर बेंजीन में दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं तो हम यहां पे कॉमन नेमिंग में पी एच टी एच फ्लाल्डिहाइड, अगर वन टू पे है, अगर वन थ्री पे होते तो आइसो लिखते, आइसो फ्लाल्डिहाइड, और वन फोर होता तो टर फ्लाल्डिहाइड, टी ई आर टर फ्लाल्डिहाइड, याद रखिए। चलिए यहां पे हम देखेंगे आईयूपीएसी में बेंजीन है जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पे कार्बन ये है 1,2-dicarbaldehyde। आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा, एक्सक्यूज मी। चलिए अब यहां पे सी एच ओ ग्रुप है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये गामा, ठीक है, या फिर बेंजाल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में उसका पड़ोसी कार्बन ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, तो आप मेटा ब्रोमो लिख सकते हो या फिर गामा ब्रोमो लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूं यहां पे गामा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड, गामा ब्रोमो बेंजाल्डिहाइड। और यहां पे हम लिखेंगे 1 2 3 थ्री ब्रोमो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, थ्री ब्रोमो बेंजीन लिखेंगे और फिर लिखेंगे कार्बाल्डिहाइड, है ना। ये बात हो गई, यहां पे ये हमने नाम लिख दिया दोस्तों, ओके आईयूपीएसी नाम लिख दिया। अब कीटोन ग्रुप है, यहां पे कीटोन ग्रुप है, ये मिथाइल है और ये नॉर्मल प्रोपाइल है, तो लिखेंगे मिथाइल, ओके देन लिखेंगे विलवाइट नॉर्मल प्रोपाइल एंड देन विलवाइट कीटोन, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन, और यहां पे हो जाएगा पेंटेन टू ऑन, क्या हो जाएगा, कम ऑन, दिस इज पेंटेन, ओके पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन, पेंटेन पेंटेन सेकेंड पे कीटोन टू ऑन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके आईयूपीएसी के लिए, और कॉमन के लिए ये आइसो प्रोपाइल है, ये भी आइसो प्रोपाइल है, तो डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन, डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे 2,4-dimethyl पेंटेन थ्री ऑन, 2,4-dimethyl पेंटेन थ्री ऑन, पेंटेन थ्री ऑन। चलिए एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, चलिए यहां पे कार्बोनिल ग्रुप का पड़ोसी अल्फा, अल्फा में मिथाइल है, तो लिखेंगे अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन, और यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट नहीं और सेकंड, सेकंड टू मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा, ठीक है। टेबल में लास्ट एक स्ट्रक्चर है जो मैं यहां पे बना देता हूं, लास्ट स्ट्रक्चर CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH COCH, ये टेबल में लास्ट स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉमन नेमिंग के अंदर, और आईयूपीएसी में भी मैंने आपको अभी बताया था आइसोप्रोपाइल और एसीटोन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसको हमें लिखना है मेसिटाइल ऑक्साइड, क्या लिखना है हमें इसको, इसको लिखना है मेसिटाइल ऑक्साइड। चलिए और यहां पे इसका आईयूपीएसी हो जाएगा 4-methyl पेंट 3 इन 2 ऑन, पेंट 3 इन
टू ऑन. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. एंड देन हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जिसके अंदर हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं वो बात करेंगे, और पोलारिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स. चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. 12.2.1 एक्टिविटी जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो है अब वो डिस्कस करते हैं. जनरली वी नो दैट इन स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बात करते हैं तो उसके बारे में बॉन्ड एंगल में बात करते हैं. ओके बॉन्ड एंगल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे उसका जो ज्योमेट्री है उसके बारे में एंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं. तो शुरू करते हैं यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के बारे में स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. सी डबल बॉन्ड ओ है ना. तो यहाँ पे ये जो कार्बन है आप देख सकते हो ये एक सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डैश लाइन के अंदर, ठीक है, हम ऐसे डैश लाइन में लिख सकते हैं. यस दोस्तों इसको हम डार्क लाइन में लिख सकते हैं, डार्क लाइन यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए कार्बन कार्बन के, है ना. तो ये भी सिग्मा बॉन्डेड ही होगा. डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है. पाई बॉन्ड कैसे यहाँ पे फॉर्म होगा हमें पता है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो है और ये ऑक्सीजन का दूसरा पी ऑर्बिटल जो होगा दोनों पैरेलल होंगे तो ये पाई बॉन्ड जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बोनिल कार्बन के बारे में तो कार्बोनिल कार्बन के अंदर तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन है वो इन्वॉल्व है. तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है तीन सिग्मा मतलब तीन ऑर्बिटल उसकी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में यूज हो रही है और एक ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल यहाँ पे ओवरलैप होने के बाद पाई बॉन्ड फॉर्म करेगी. इसको अगर हमें इसको पाई बॉन्ड में इंडिकेट करना है तो ऐसे लिखेंगे हम, ये जो बॉन्ड है दो बॉन्ड्स ये मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं, यहाँ पे जो दो पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं दोस्तों जो दो पैरेलल ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप होने के बाद कुछ ऐसे ओवरलैप पैरेलल ओवरलैपिंग के बाद कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएंगे ये दो ऑर्बिटल. और ये जो बॉन्ड अगर हम इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बॉन्ड जो है दोस्तों ये एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है दोस्तों. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे ये जो है ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है. आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा. तो यहाँ पे तीन सिग्मा एक पाई बॉन्ड की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि तीन ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड में है, मतलब तीन ऑर्बिटल यूज हुए हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और ये जो ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है वो होगा पी ऑर्बिटल जो होगा, ठीक है, ओके. पी जेड जो कार्बन का ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना, और इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. अगर दोस्तों हम बात करें बॉन्ड एंगल के बारे में तो कोई भी आप बॉन्ड ले लो यहाँ पे, ओके, कोई भी बॉन्ड, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमने यहाँ पे लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, sp2 के लिए हमने भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री. कोई भी बॉन्ड एंगल आप देखो ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. और ये ज्योमेट्री है दिस इज ट्राइगोनल कोप्लेनर ज्योमेट्री, ओके, ट्राइगोनल कोप्लेनर ज्योमेट्री हो गई, ओके, ट्राइगोनल कोप्लेनर ज्योमेट्री हो गया, 120 बॉन्ड एंगल हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी मैंने लिख दिया है. तो ये बात हो गई दोस्तों स्ट्रक्चर के बारे में. अब यहाँ पे डिपेंड करता है कार्बोनिल कार्बन के पास इस तरफ कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ एक पाई बॉन्ड है. यहाँ पे डिपेंड करेगा कौन सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ओके, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1s ऑर्बिटल, और अगर यहाँ पे कार्बन है तो उसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे सिग्मा में इन्वॉल्व होगा.
आपको ओवरऑल क्या करना है, आपको ओवरऑल तीन बातें यहां से करनी है। एक तो यहां पे आपको हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, आपको ज्योमेट्री दोस्तों याद रखना है, और आपको याद रखना है यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको याद है दैट इज इनफ। चलिए अब बात करते हैं पोलैरिटी के बारे में। कार्बोनिल ग्रुप का पोलैरिटी जो है, हमें पता है यहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन है दोस्तों ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अगर इसको मैं बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा इसका तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो इसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप का ये जो कार्बन है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लुईस एसिड, है ना। और इसीलिए ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है आप देख सकते हो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, ठीक है, इसीलिए ये लुईस बेस हो जाएगा और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिक साइड है, ये हो गया दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में, तो रिएक्शंस ऑलवेज यहाँ पे सेंट्रल एटम में होते हैं। तो सेंट्रल एटम पॉजिटिव है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगे। इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्टिविटी जब हम पढ़ेंगे तो ये बात करेंगे। चलिए इतना अभी आप याद रखो, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये बॉन्ड पोलर हो गया, ये पोलर बॉन्ड हो गया। और इसका पोलैरिटी जो है ना, इट इज ग्रेटर देन ईथर। मैं लिख लिया पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ईथर, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल ग्रुप में और ईथर के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, तो पोलैरिटी यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप का ज्यादा है ईथर से। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बातें हमें याद रखनी है। डाइपोल मोमेंट के बारे में भी यहाँ पे यही ऑर्डर होगा, डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, इससे इतनी बातें हमें याद रखनी है, स्ट्रक्चर और यहाँ पे पोलैरिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये लेक्चर यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। हमने आज बात करी सबसे पहले कॉमन नेमिंग, उसके बाद हमने आज पढ़ा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, देन स्ट्रक्चर देखा, उसके अंदर पोलैरिटी के बारे में बात करी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप पूरा लेक्चर अच्छे से आपने समझा होगा। प्लीज़ ये वीडियो बनाने में बहुत ही यहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you so much for watching this lecture.